This video is brought to you by Infinix Hot 10S. वे खिलौना नहीं, मगर इसके खेल कई। 48 MP ट्रिपल कैमरा और 90 हर्ट्ज एक्स्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ नया Infinix Hot 10S, starting at just ₹999. नमस्ते दिलालन टॉप पर, मैं शनाली हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 11 महीने बीत चुके हैं। उनकी मौत के बाद ही बॉलीवुड में ड्रग्स के कनेक्शन को लेकर NCB सतर्क हो गई। इसी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 28 मई को सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हैदराबाद से अरेस्ट किया गया है। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट थे। सुशांत की लाश को सबसे पहले देखने वाले लोगों में भी सिद्धार्थ शामिल थे। सिद्धार्थ पिठानी ने पिछले हफ्ते ही सगाई की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी सगाई की तस्वीरें भी शेयर की और इसी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। सुशांत की मौत के बाद सिद्धार्थ ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के परिवार को लेकर कई सारे बयान भी दिए थे। इनफैक्ट सिद्धार्थ ने ही सुशांत के जीजा OP सिंह का एक व्हाट्सएप मैसेज शेयर भी किया था, जिसे लेकर जांच पड़ताल भी की गई थी। रिया चक्रवर्ती ने 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की बहनों पर, यानी कि प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने सुशांत को गलत दवाइयां दी और NDPS यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है। रिया ने यह मुकदमा सुशांत और प्रियंका सिंह के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के आधार पर किया था, जिसमें प्रियंका सुशांत को लीब्रियम, नेक्सिटो, लोनाजिप नाम की दवाइयां लेने की सलाह दे रही हैं। ये दवाइयां गंभीर अवसाद और एंजाइटी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को दी जाती है। इसी केस को रद्द कर देने के लिए सुशांत की दोनों बहनें बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीतू सिंह के खिलाफ सबूतों के अभाव में केस रद्द कर दिया, लेकिन प्रियंका का केस चैट के आधार पर जारी रखा गया, जिसके बाद प्रियंका सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केस को खारिज करने की अर्जी डाली थी, मगर वहां भी उन्हें नाकामयाबी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रियंका की अर्जी खारिज कर दी और उनके खिलाफ मुकदमा जारी रखने का आदेश भी दिया। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने भी रिया के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने के लिए भी आरोप लगे थे। उन्हें 28 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन इस सब के बावजूद क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिला? क्या सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को इंसाफ मिला? यह भी एक सवाल है। द ललन ड्रॉप पर यह खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी मेघना ने। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।